सतगुरु जी पावन पवित्र अमोलक गोद सुभाए मन गुरु प्यारी संगत फतेह दी सांझ करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंच सदियो मन च खुब भी है, दर्द भी है, प्यार भी है। कौम सोच रही है जो साढ़े नाल हो रही है मेरे की करना है। 2.5 घंटे सिंह साहब उत्थे बैठे रहे, दास पिछे खड़ा सी, पैरी सिंह जी पिछे खड़े से, पर झूठ प्रचार इत्थे तक हो रहा कि वो पेश नहीं हुए। मैं थोड़ा जिहा जे बैकग्राउंड ते जाना चाहांगा, क्योंकि जब तक सानू असलियत नहीं पता लगती असी किसे भी पॉइंट ते नहीं पहुँच सकांगे। अज हिंदुस्तान की जो सरकार है जिद पिछे RSS एक साजिश एक तुरा है, वो सामने एको एक निशाना है कि किस तरीके असी सिखा हिंदू साबित कर लीए। और उस बड़ी सिंपल जी गल है, जे कोई साबित कर देंगे कि दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह की लिखित है तो असी अपने आप हिंदू साबित हो गए, क्योंकि वो निरोल दुर्गा पूजा है। मैं एक बेनती करा जाता हाँ, साहिब गुरु नानक पातशाह जी की बाणी में जैसे असं ध्यान पढ़िए, पातशाह ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जो पाओ कलम कर चित लिखारी, गुरु पुछ लिख विचार। सिख अपना विचार नहीं लिखता, गुरु तो पुछ के लिखा लिखता। हाँ, दूसरे पास एक गल होर है जी, कलम जलो सण मसवाणिया, कागज भी जल जाए लिखण वाला जल वलो, जिन लिखिया दूजा पाए। दो विचारधारा हैं, एक है कि गुरु का सिख अपने विचार नहीं लिखता, गुरु तो पूछ के लिखता है, प्यार ना लिखता है। दूसरा विचार है कि जड़ा एक परमेश्वर तो बगैर दूसरे की बात करता है। साहब कहते हैं ऐसी कलम भी जल जाए, ऐसा कागज भी जल जाए, ऐसा मनुख भी जल जाए। और मैं उन्होंने पूछना चाहता हाँ, जो दसम ग्रंथ की बात करते हैं, मैं उन्होंने पूछना चाहता जो दसम ग्रंथ पढ़िया है, दास ने पढ़िया है, एक एक लाइन पढ़ी है। और जो कहते ना मैं नहीं पढ़िया, त्रिलोचन सिंह उत्थे झूठ बोल गया कि मैं नहीं पढ़िया, दास ने खुद बैठ के पढ़ाया है। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ताबिया बैठ हजूरी दास साहब जी के सामने कह के खुद पढ़ाया, मैं पढ़ाया है। कौन कहता मैं नहीं पढ़िया? और मैं एक बेनती आप जी कर दवा, 1172 वारी लिखिया होया राम से शाम लिख रहा कि यह बाणी मेरी है, सानू अज तक पता नहीं लग्या। 1905 थॉमस कोल ब्रुक ने लिख गया कि दिस इज रिटन टू टॉर्निश द इमेज ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, सानू अज तक नहीं पता लग्या। मकाल ये गल ट्रांस लिख गया कि यह सारी फ्रॉड है, गुरु गोबिंद सिंह की बाणी ऐसी नहीं हुई, सानू अज तक नहीं पता लग्या। कौम क्यों सुती पई है मैं समझ नहीं आ रही। जब साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सानू केवल गुरु ग्रंथ साहब के नाल लड़ ला गए, दूजे पासे सिख सोचे भी क्यों, सिख सोच भी कह सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर। इस करके मैं बेनती करता हाँ, एक 73 पढ़िया है, बाकी अजे बाकी हकायत पढ़ के देख लिया, 24 अवतार पढ़ के देख लिया, ज्ञान प्रबोध पढ़ के देख लिया, कोई एक भी लाइन गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा के नाल साबित है कि ना नशा गाना चाहिए, किवें केस कटाने चाहिए हैं, किवें काम वासना नाल भरिया होया ये इनू असी सत श्री गुरु ग्रंथ साहब के बराबर प्रकाश कर लीए। और मैं पूछना चाहता हाँ, जो ठोक बजा के कहते हैं कि साडिया बरजत कुरैतों के मांस खाना भी बरजत कुरैत लिख दी जाए, जदों हजूर साहब बकरा चटका के तिलक लगाए गए उदों कित्थे इन्हां दी जमीर मर चुकी सी, कित्थे गई सी उदों इन्हां दी जमीर, की सिख दी जमीर मर गई। मैं दसम ग्रंथ विचों एक श्लोक आप जी नूं पढ़ के सुणाना चाहुंदा हां, क्योंकि जो बाकी गल्लां दास पढ़ के सुना नहीं सकदा, जिसने सुननियां वखरियां बैठ के सुना सकदा हां। एक श्लोक है,
जिथे साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह रहे हैं हमू मद बाशद शब्द सुख नवर, हमू मद बाशद शब्द सुख नवर न सिकम दिगर दर दिहाने दिगर, जेड़ा मनुख करदा कुछ है कहदा कुछ है वो नेक पिता दी औलाद नहीं है। और वो लोग जिथे बैठे हैं जिस संविधान नहीं मानते, पंजा विचों तीन उस संविधान नहीं मानते, दुनिया का कोई कचहरी यह गल नहीं मन विचार कि जिस संविधान मैं नहीं मानता वह जज मैं किवें बन गया, रहत मर्यादा नहीं मानते। और जो लिखण वाला है जिसने इतने रिपोर्ट भेजी है उसने कट वट के भेजी है, तो फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वो बारे की लिख रहे हैं आप समझ लो, हमू मर्द बाशद शब्द सिख न सिकम बिगर दर दिहाने दिकर। गुरु पातशाह रहमत करे सानू इस समझ आ जानी चाहिए है कि एक बहुत वड्डी साजिश नाल सिखी का कहान किया जा रहा है। अकाल तख्त कई बारी ढहिया, हर बारी ढहन तो बाद वधिया तरीके नाल बनया है, पर गुरु प्यारे जो सिद्धांत ढह जाता है उदो दोबारा नहीं बनता। और बिल्डिंग साडा अकाल तख्त नहीं है, साडा सिद्धांत सतगुरु का सिद्धांत है, सतगुरु का बनाया हुआ सिद्धांत साडा सिद्धांत है, मीरी ते पीरी का सिद्धांत है। मीर का मतलब है मालिक, पीर का मतलब भी मालिक है, पर पीर है जो जमीर का मालिक है, जिसकी जमीर मर गई उसका सब कुछ मर गया। मैं अंत में एक बेनती करूंगा, एक शरण ने बड़ी प्यारी गल कही है, जो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। इस करके गुरु के प्यारे हो लाम बंद हो जावो, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर होर किसी वाल देखना भी साढ़े वास्ते पाप है, केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब ते अकीदा रखना है। इस करके गुरु ग्रंथ साहब तो बाहर जो कुछ किसी वास्ते वह देखता है वह गुरु गोबिंद सिंह का सिख नहीं हो सकता। वाहेगुरु जी का खालसा।